वेलकम बैक। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 11 डिफरेंट प्रोसेसर के साथ मैंने नए फोन आज किस वीडियो में रखे हैं। और आज किस वीडियो में नॉट ओनली परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके साथ बैटरी किसका ज्यादा ड्रॉप होता है, किसकी थ्रोटलिंग होती है उतना नहीं, कौन सा फोन ज्यादा हीट होता है और परफॉर्मेंस में किस प्रोसेसर में कितना ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है, ये सब कुछ आज किस वीडियो में चेक करेंगे। और ये सारे फोन गाइज मैंने अपने खुद के पैसे से खरीदे, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको हॉनेस्ट ओपिनियंस अलग अलग वीडियो में दे सकूं। तो सबसे पहले लाइक करना मत भूलना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चाय के साथ एक गरम गरम समोसा लेना और खाते खाते इस वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो होने वाला है एकदम मस्त। एक नहीं, दो नहीं, 11 फोन रखे हैं मैंने टेबल के ऊपर। नॉट ओनली परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके साथ बैटरी, हीटिंग, बहुत कुछ आज की इस वीडियो से आपको सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले सारे फोन को मैंने 100% चार्ज किया था, बट S23 अल्ट्रा 98% पे आया था। बाकी सारे फोन की जो ब्राइटनेस होती है ये मैंने गाइस 100% रखी है। जो ऑटो ब्राइटनेस है ये सब कुछ मैंने बंद कर दिया है, बाकी ब्लूटूथ वगैरह ये भी ऑफ कर दिया है मैंने यहाँ पे, जैसे ये आप देख सकते हो। और उसके साथ जो बैटरी सेक्शन के अंदर जो परफॉर्मेंस मोड या मॉन्स्टर मोड देखने मिलता है, जो भी परफॉर्मेंस मोड है सब कुछ मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ फोन में परफॉर्मेंस मोड देखने को नहीं मिलता, इसलिए टेस्ट को फेयर बनाने के लिए मैंने ये परफॉर्मेंस मोड को हटा दिया है, बंद कर दिया सारे फोन से। और सारे फोन को मैंने लेटेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर अपडेट भी कर लिया है। किसी फोन में मार्च का सिक्योरिटी पैच है तो किसी फोन में अप्रैल का है। चलो गाइस स्टॉप वॉच को भी सेट कर लेते हैं। और सबसे पहले सब कुछ मैंने रिसेंट से हटा दिया है। और सबसे पहला परफॉर्मेंस टेस्ट में हमारा पहला स्टेप होता है थर्ड अनटू माइनस फर्स्ट अनटू, तो परफॉर्मेंस में कितना ड्रॉप आता है यही चेक हम करते हैं। तो सबसे पहले अनटू को रन कर दिया और टेम्परेचर यहाँ पे मैं चेक कर रहा था, नॉट 339, फिर नथिंग 39 के आसपास था, उसके साथ आइकोनियो 6 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास गया था फर्स्ट रन में ही, वन प्लस 11R 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास गया था, S23 अल्ट्रा लगभग ये भी 42 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, आइकोनियो 7 ये भी गाइस 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास गया था भाई साहब, और रेडमी K50i ये भी 41 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, वीवो V27 ये भी गाइज 41 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, रेडमी Redmi Note 20 Pro ये भी 41 के अराउंड था, Realme 10 Pro Plus ये भी 41, और IQ Z7 5G ये भी गाइज 41 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। सारे स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर कौन से है ये सब कुछ मैंने मेंशन करके रखा है ऊपर के साइड में। और स्टॉप वॉच को यार मैं स्टार्ट करना भूल गया था, बट अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो गाइज यहाँ पे पहला रन कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कुछ फ़ोनों ने अपना ब्राइटनेस ड्रॉप करना स्टार्ट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे गाइज फर्स्ट अनटू रन कंप्लीट टोटली हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे नथिंग फोन 1, 1 प्लस 11R, रेडमी K50i, रेडमी नोट 12 प्रो और रियलमी 10 प्रो प्लस ने ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं किया था, बाकी सारे फोन ने ब्राइटनेस को ड्रॉप किया था। तो गाइज यहाँ पे सेकंड रन पे मैंने लगाया है, और सेकंड रन पे मुझे लग रहा है कि फ़ोन बहुत सारे गर्म हो चुके हैं। नॉट C3 लाइट 43 के अराउंड था, नथिंग फोन 1 ये भी 43 के अराउंड था, IQ Neo 6 ये 46 के अराउंड था, स्नैपड्रैगन 870 भाई साहब, 1 प्लस 11R ये 44 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। और यहाँ पे गाइस सारे फ़ोन हीट हो रहे थे, और S23 अल्ट्रा लगभग ये फ़ोन था 44 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, IQ Neo 7 भाई साहब 48 डिग्री, गजब, रेडमी K50i 44 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, रेडमी K50i के बाद वीवो V27 लगभग 44 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, रेडमी नोट 12 प्रो ये भी गाइस यहाँ पे 44 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, और रियलमी 10 प्रो प्लस यहाँ पे ये 45 के आसपास टच कर दिया था, और IQ Z7 ये लगभग यहाँ पे 43 के अराउंड था। तो गाइस समर का सीजन चल रहा है, रूम का टेम्परेचर की बात करें ये 33 के अराउंड है, मैंने फैन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है, और असलियत फ़ोनों की समर के सीज़न में ही पता चलती है। तो यहाँ पे गाइस सेकंड रन भी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड रन कंप्लीट होकर मैं अनटू के थर्ड रन पे फ़ोनों को लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें
थर्ड रन माइनस फर्स्ट रन करना है, तो बी परफॉर्मेंस में कितना ड्रॉप होता है ये पता चल जाएगा। और थर्ड रन में ही रियलमी ने तो सब कुछ बंद कर दिया, रियलमी 10 प्रो प्लस ने एंटूटू को भी हटा दिया और बाकी के जो ऐप्स है ये भी यूज़ नहीं कर सकते, इतना हीट ये फ़ोन हो चुका है। अराउंड गाइस ये फ़ोन 45 के आसपास जा चुका होगा। भाई साहब 47 को रियलमी ने टच कर दिया और इसलिए इसके सिस्टम ने सारे ऐप्स के यूज़ वगैरह बंद कर दिए थे, अभी फिर से आ चुके यूज़ करने लायक, बट ये मुझे पता है कि एंटूटू को नहीं रन कर पाएगा। तो यहाँ पे गाइस थर्ड रन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ फ़ोन में अभी भी चल रहा है, बट बहुत सारे फ़ोनों ने ब्राइटनेस को ड्रॉप किया है और रियलमी 10 प्रो प्लस ने तो थर्ड रन किया ही नहीं। इसका सेकंड रन माइनस फर्स्ट रन होगा, बाकी के थर्ड रन माइनस फर्स्ट रन है। और यहाँ पे ड्रॉप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा ड्रॉप S23 अल्ट्रा ने किया था और रेडमी नोट 12 प्रो ने परफॉर्मेंस में अपग्रेड दिखाया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी सारे स्कोर आप यहाँ पे गाइस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, 33 मिनट्स में ही इतना ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है बहुत सारे फ़ोनों के अंदर, वो है गाइस गर्मी के वजह से। अब समर का सीज़न चल रहा है, आपको पता है कि गर्मी बहुत खतरनाक होती है फ़ोनों के परफॉर्मेंस के लिए, और वही देखने में मिल रहा है। नथिंग फोन 1 ने भी तगड़ा ड्रॉप दिखाया था यहाँ पे। बाकी गाइस 10 मिनट तक मैं सारे फ़ोन को बंद करने वाला हूँ क्योंकि ये हो चुके हैं बहुत ज़्यादा गर्म। नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए गर्मी की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने सारे फ़ोन को 10 मिनट तक यहाँ पे ठंडा होने दिया। ऑलमोस्ट 10 मिनट होने वाले हैं और 10 मिनट के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो हम स्टार्ट करने वाले हैं CPU थ्रोटलिंग, और यहाँ पे भी पता चल जाएगा कौन सा फ़ोन कितना थ्रोटल करता है। कुछ फ़ोन स्नैपड्रैगन के साथ आते हैं, कुछ फ़ोन डेमिनसिटी के साथ आते हैं। तो यहाँ पे गाइस जैसे मैं देख रहा था कि S23 अल्ट्रा का ग्राफ मतलब 8 Gen 2 का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और 15 मिनट के बाद देख सकते हो कितना बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है 8 Gen 2, 56% की परफॉर्मेंस और एवरेज GPS स्कोर सारे मेंशन है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो गजब भाई साहब गजब। 8 प्लस जेन 1 और 8 जेन 2 बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे थे और रेडमी का K50 मतलब डेमिनसिटी 8100 भी बेकार परफॉर्म कर रहा था। बाकी थ्रोटल किसने नहीं किया, थ्रोटल IQOO न्यू 7 ने थ्रोटल नहीं किया, जो फोन 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था इसने थ्रोटल नहीं किया, बट इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस में ड्रॉप मारा है। जैसे कि इसके एवरेज GPS स्कोर आप देख सकते हो 1,54,000 के आसपास आ रहे हैं, बट स्नैपड्रैगन 870 ने बेटर परफॉर्मेंस दिखाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी ही थी। बाकी गाइज यहाँ पे मैंने 3D मार्क का टेस्ट स्टार्ट किया और यहाँ पे देख लेते हैं किसके स्कोर ज़्यादा आते हैं। तो CPU थ्रोटलिंग में 870 स्नैपड्रैगन का बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था, ज़्यादा ड्रॉप नहीं दिखाया मतलब थ्रोटल नहीं कर किया था उसने। बाकी गाइज यहाँ पे 3D मार्क के स्कोर भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, सैमसंग में सबसे ज़्यादा आ रहे थे, मिक्सड आउट ऐसा लिखा आ रहा था। बाकी उसके बाद 8 प्लस जेन 1 के स्कोर ज़्यादा आ रहे थे, उसके बाद न्यू 7 के स्कोर ज़्यादा आ रहे थे जो डेमेंसिटी 8200 के साथ आता है। तो ऐसे कुछ स्कोर है यहाँ पे गाइज, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था गाइज, मैं 1 hour 12 minutes के आसपास हमारी टेस्टिंग कम्प्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पे गाइज बात करें बैटरी ड्रॉप की, क्या लगता है आपको हीटिंग के वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप की वजह से किसने ज़्यादा बैटरी ड्रॉप किया होगा, क्या लगता है देख लेना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉप गाइज न्यू 7 ने दिखाया था और स्नैपड्रैगन के फ़ोन बैटरी को कम ड्रॉप कर रहे थे बट परफॉर्मेंस को ज़्यादा ड्रॉप कर रहे थे, डेमिनसिटी के फ़ोन परफॉर्मेंस मेंटेन करके रख रहे थे और बैटरी को भी मेंटेन करके रख रहे थे, बट गाइज यहाँ पे आप ड्रॉप देख सकते हो, जिसने जितना परफॉर्मेंस गंदा दिया था उसने बेटर बैटरी में परफॉर्मेंस दिखाई थी, यही देखने में मिला। स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 कम बैटरी को ड्रॉप कर रहा था बट परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब थी। बाकी गाइज न्यू 7 परफॉर्मेंस तगड़ा दे रहा था बट बैटरी में अच्छा खासा ड्रॉप दिखा रहा था। बाकी स्नैपड्रैगन 870 ये भी गाइज परफॉर्मेंस भी इसकी ज़्यादा थी, उसके हिसाब से बैटरी ड्रॉप भी थोड़ा सा इसने ज़्यादा दिखाया। तो यही वॉइस वर्सा होता है, परफॉर्मेंस जहाँ पे ज़्यादा देखने मिलता है वहाँ पे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप होती है, जहाँ पे परफॉर्मेंस कम देखने मिलता है वहाँ पे बैटरी कम ड्रॉप होती है, ऐसा कुछ देखने में मिला। बट डेमिनसिटी के प्रोसेसर स्नैपड्रैगन को अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं, आपको क्या लगता है नीचे जरूर कमेंट करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।